देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद भावुक कर देने वाला था। जी हाँ, वे गांधीनगर में अपनी माँ हीरा बहन से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नया सत्र शुरू करेंगे, नया कार्यकाल शुरू करेंगे, और इसके पहले उन्होंने गांधीनगर का रुख किया, जहां सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात वे अपनी माता के निवास पर पहुंचे, जहां पर बेसब्री से उनकी माता उनका इंतजार कर रही थी। वहां पर मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उस कॉलोनी के लोग भी बेहद गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वे जिस कॉलोनी में निवास करते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री की माता जी भी रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद विनम्र भाव से अपनी माता के पास पहुंचे, उन्होंने उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी माता जी ने भी उनके सिर पर हाथ रखा और इस बेहद भावुक कर देने वाले क्षण में दोनों की आंखें नम हो गई थी। उनकी माता जी के लिए बेहद गौरवशाली क्षण था आज का, कि उनका बेटा दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा। उनकी माता कभी यह नहीं भूल पाएंगी कि कितनी गरीबी के बाद उनका बेटा आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे चाय बेचते थे, और एक बार तो उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी माता जी ने लोगों के घरों में बर्तन मांझकर उन्हें पढ़ाया, उन्हें बड़ा किया। आज भी बेहद सादगी के साथ उनकी माता जी निवास करती हैं, और उनके भाई जिसमें से एक का नाम प्रहलाद मोदी है, वे बहुत सादगी के साथ रहते हैं और उन्हें देखकर किसी को विश्वास नहीं होता। उनकी विनम्रता देखकर सभी को ऐसा लगता है कि ये कितने विनम्र हैं। प्रधानमंत्री के भाई होने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई घमंड का भाव नहीं है। कुल मिलाकर पारिवारिक मिलन का यह पूरा दृश्य जब टीवी चैनल्स पर भी देखा गया तो देश के लोग भी भावुक हो गए, और सभी को यह लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कि देश का सच्चा सपूत कहा जाता है, उन्होंने किस तरह से अपनी माता जी से आशीर्वाद लिया। इस आशीर्वाद में यही भाव छुपा था कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके और गरीबों का स्तर ऊंचा उठा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने गरीबी देखी है। वे इस बात को जानते हैं कि गरीबों का दर्द क्या होता है। यही वजह है कि उन्होंने देश भर में आयुष्मान योजना लागू की, जिसका लाभ देश भर के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की इस योजना ने गरीबों का कायाकल्प कर दिया है। उनकी चिंता दूर कर दी है कि अगर वो बीमार हो जाएंगे, कोई गंभीर बीमारी उन्हें हो जाएगी तो वे क्या करेंगे। इसका निराकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान योजना लागू करके दिया गया है, और इसी का प्रतिफल उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने के रूप में भी मिला है। देश की जनता, गरीब जनता ने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।